वह है रेडमी 7, जिसमें जो है डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम है। इसमें जो है यहाँ पर मेटल केस लगा हुआ था जो इस तरह का था, और इसको मैंने उखाड़ के निकाल दिया है। अब इसे बाद पीस नहीं लगा पाएंगे। तो यह मोबाइल जो है पानी में गिरा हुआ था, पानी की वजह से जो है यहाँ पर कुछ एक शॉर्टिंग जो हुई थी यहाँ पर, तो इस वजह से जो है मतलब इसकी डिस्प्ले लाइट वर्क नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि डिस्प्ले आ ही नहीं रही है। तो देख रहे होंगे आप, मैं पहले इसको आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। देख रहे होंगे आप, वाइब्रेटर जो है वाइब्रेट हुआ और मोबाइल ऑन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और इससे जो है कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम जो है ये जो है यहाँ पर बूस्ट कॉइल वगैरह लगी होती है इसमें, यहाँ ये पूरा जो है लाइट सेक्शन है, यहीं पर जो है बूस्ट वोल्टेज बनती है। जैसे 3.7 वोल्टेज लेकर जो है यहाँ पर 15-18 वोल्ट जो है आउटपुट निकालती है। तो हम सीधा सीधा सॉल्यूशन करेंगे इसमें कि यहाँ से जो है इस कैपेसिटर से डायरेक्ट यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जो है जंपर करेंगे। फर्स्ट लाइन में जंपर करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ट्रैक बना के रखा है एक, यहाँ से जो है डायरेक्ट जंपर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि डिस्प्ले के कनेक्टर के जो ट्रैक बिल्कुल साफ है, इनमें जो है बिल्कुल भी कोई भी जो है पार्ट जो है डैमेज नहीं हुआ है, कोई भी ट्रैक डैमेज नहीं हुआ है, बस सिर्फ यहाँ पर जो है प्रॉब्लम थी इस वाले हिस्से में यहाँ पर। और इसे जो है यहाँ से जो है इसकी जो ट्रैक कनेक्ट हो चुकी थी, सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, तो इस वजह से जो है अब यहाँ से हम जंपर सीधे डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे और देखते हैं यह सॉल्व होगा या नहीं। जंपर जो है मैंने पहले से ही रखा है। इस वाले कैपेसिटर में लगा देंगे, अगर हो सके तो यहाँ से जंपर ले सकते हैं इस डायोड की इस वाले साइड से, तो इसके ऊपर यहाँ इस पर जो है यहाँ से जंपर ले लिया। इस तरीके के सॉल्यूशन देखने के लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियो की, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं, उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए।
मोबाइल ऑन हो चुका है, अब जो है हमें इसे जो है यूज़ कर सकते हैं।